अजीब सा तो लग रहा है ब्लॉगिंग करने में, पर जा रहे हैं हम स्कूटी में जा रहे हैं क्योंकि आज सैटरडे है तो बहुत live a little vlogs. So hello everyone, आज हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार पेंटागन मॉल. फिलहाल हम लोग हैं पेट्रोल पंप में और यहाँ पे एक मंकी है. और पेट्रोल पंप से हम जा रहे हैं, हम स्कूटी में जा रहे हैं क्योंकि आज सैटरडे है तो बहुत ज़्यादा रश होता है, कार ले जाने बेकार है. तो बस अब हम स्कूटी से निकल रहे हैं और हम नज़ारे भी दिखाते चल रहे हैं. चले गए हैं यहाँ पे पास में और अभी मैं पेंटागन मॉल में एंटर करती हूँ. अकेले अकेले शॉपिंग करनी पड़ेगी. सर ये भूवी की फेवरेट कार है पांडा वाली. मैं अकेले अकेले घूम रही हूँ, बेकार लग रहा है, पर कोई बात नहीं, ऐसे करते कुछ शॉपिंग ही कर लेती हूँ तब तक. तो बस मैं भी नीचे जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ शॉपिंग अपनी. तो जी ये है गैजेट्स की दुकान और वो है सामने वैल्यू मार्केट. वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सामान मिल जाता है तो मैं सोच रही हूँ वैल्यू मार्केट में ही थोड़ा टाइम पास करती हूँ अपना. बाकी तो खाना पीना तो मैं इनके साथ ही करूँगी. अकेले अकेले दिमाग ख़राब हो जाता है और सब मुझे अजीब तरीके से देख रहे हैं. मेरे को अजीब सा तो लग रहा है ब्लॉगिंग करने में, पर तो अभी यहाँ पे सेल वगैरह चल रही है कुर्ताज़ वगैरह में तो मैं सोच रही हूँ कुछ लेने की. सो आई डिडंट फाइंड एनीथिंग, तो मैंने कुछ लिया नहीं. क्या करूँ, अकेले अकेले दिमाग ख़राब हो रहा है. सो मैं फिर बाहर आ गई. आप देख क्या, ये भी मेरी गलती है. मुझे अकेले अकेले खाना अच्छा नहीं लगता है तो अब देखती हूँ, अब मैं कहीं और किसी शॉप में घुस जाती हूँ टाइम पास. मुझे अपना क्यूट सा मिनीशो मिल गया है तो अब मैं मिनीशो में जाके शॉपिंग करूँगी. मुझे मिनीशो का स्टफ बहुत पसंद है और इसके बगल में ही बर्गर किंग है तो यहीं पर खाएँगे. लेकिन पहले इनके आने के बाद बस यहाँ इस मॉल में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, शॉप्स भी बहुत कम हैं. तो अब मैं मिनीशो में जाती हूँ, कुछ क्यूट क्यूट स्टफ़ देखती हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट स्टफ क्यूट क्यूट स्टफ. यार देखिए, दैट्स व्हाई आई लव मिनीशो. ये देखिए कितने प्यारे प्यारे मिरर आई हैं. बस सबसे क्यूट तो ये टॉयज लगते हैं.
वैसे इस मिनी शो में आई थिंक पैसिफिक से ज़्यादा आइटम है। मैं पैसिफिक के मिनी शो में गई थी तो वहाँ पे इतने चीज़ें थी नहीं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी है। तो बस सब देखती हूँ मैं क्या ले सकती हूँ। फाइनली ये यहाँ पे आ गए हैं और हम लोग बर्गर किंग में घुस गए, क्योंकि सबसे पहले तो मैं बहुत भूख लगी थी। मैंने मिनीशो को भी छोड़ दिया, मैंने कहा पहले मैं खा लेती हूँ। और ये देखिए हम बर्गर किंग में पहुँच गए हैं, अरे अभी ऑर्डर ले रहे हैं उसके बाद हम कुछ खाएंगे और फिर हम आपको बताते हैं कि हमने कुछ लिया, अगर नहीं लिया भी बता देंगे। ये तो इस मॉल में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सड़ा हुआ मॉल है। नो हेट, देखिए जिसका भी पेंटागन है मैं मना नहीं कर रही, लेकिन सच में यहाँ पे शॉप्स बढ़ाइए, यहाँ कुछ भी नहीं है करने को। देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, आज का दिन से लग रहा है बेकार ही जा रहा है। भूख से लोगों की अंतड़ियाँ फूक गई है, हालत ख़राब हो चुकी है भूख से। आप कुछ कहना चाहेंगे? अपना कब आएगा? अपना टाइम आएगा कौन सा? हमारा 211 211 पहले आना चाहिए ना, मुझे पता नहीं क्या हिसाब है। आ गया अपना ऑर्डर इसके लिए, जैसे ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने सालों से वेट कर रहे हैं। हालत ख़राब हो गई थी, देखिए जी चल रहे हैं अब, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं और ऊपर जा रहे हैं। सो अब हम इस फ्लोर में आए हैं, देखते हैं। वैसे तो यहाँ पे सब कुछ खाली खाली सा है, लेकिन देखते हैं हम क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये मॉल के नाम पे धब्बा है और बिल्कुल खाली है, नहीं बेचते नहीं। आदमी अपना अपना टाइम स्पेंड करके आता है कि यहाँ पे मजे करेंगे, लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं। जी हमारी शॉपिंग हो गई है, ये स्कूटी लेने के लिए गए हैं और बस अब हम घर जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि शाम भी हो गई है और हमें घर जल्दी जाना होगा, वो भी घर में इंतजार कर रही होगी। देन बाय, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।